इस समय की बड़ी खबर, तीन मजदूरों की मौत हुई है। कोटा के बालिता इलाके से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तीन मजदूरों की मौत हुई है। सिवरेज की सफाई करते वक्त यह दुर्घटना हुई, जिसमें अब जो खबर आ रही है, बड़ी खबर, तीन मजदूरों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ा हादसा कोटा में हुआ है, बालिता इलाके में, जहां एक मजदूर की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। सिवरेज की सफाई करते समय यह बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में तीन मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल एक मजदूर की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कोटा के बालिता से, जहां पर यह दुर्घटना हुई सिवरेज सफाई करते वक्त, और तीन मजदूरों की इस दुर्घटना में जान चली गई। फिलहाल एक जो मजदूर है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस समय की बड़ी खबर कोटा से, जहां पर सिवरेज की सफाई करते वक्त तीन मजदूरों की मौत हो गई है। ये बड़ी सूचना, ये बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं, और एक मजदूर जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। कोटा के बालिता इलाके से ये बड़ी खबर आ रही है, और लगातार इस तरह की खबरें आए दिन आती रहती है। और सच बेधड़क ने अपने खास कार्यक्रम बोल बेधड़क में भी ये मुद्दा उठाया था, बावजूद इसके प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर कोटा के अंदर बालिता इलाके में बिना किसी सुरक्षा के मजदूर सिवरेज साफ करने पहुंचे। तीन मजदूरों की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस मुद्दे पर सच बेधड़क ने पूरा सच इन मजदूरों को लेकर जो सिवरेज की सफाई करते हैं अपने खास कार्यक्रम बोल बेधड़क में भी रखा था, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं एक भयावह रूप लेती दिखाई दे रही है। और अब ये खबर जिसमें तीन मजदूरों की मौत हो चुकी है, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शाकिर अली। शाकिर, बड़ी दुर्घटना हुई है सिवरेज की सफाई करते वक्त, तीन मजदूरों की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर, अभी खबरें यही मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? एक बड़ा हादसा है, जिस तरह से नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है सफाई का, तो सीवरेज लाइन ठीक करने के लिए बालिता में ये पहुंचे थे, और जब लाइन में अंदर जब ये उतरे तो वहां पर जो है बेहोशी की हालत में मिले, और उसके बाद जो है नगर निगम के रेस्क्यू टीम ने चार जो ये मजदूर थे, कमल जी, गालिया, क्रेसी और रवि, इन चारों को जो है अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एमबीएस अस्पताल में जो है तीन की मौत की पुष्टि डॉक्टर्स ने कर दी है, और रवि जो है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल जो है नगर निगम का पूरा दस्ता जो है मौके पर मौजूद है, और प्रशासनिक अधिकारी जो है एमबीएस अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है ये अपने आप में दर्दनाक घटना है, क्योंकि इससे पहले भी गैस सीवरेज लाइन में जो गैस होती है, मिथेन सहित अन्य जो गैसें होती है, उसकी चपेट में जो है मजदूर आ चुके हैं, लेकिन मौत जैसा मामला नहीं हुआ था, लेकिन आज जो है जिस तरह से ये तीन मजदूरों की मौत अब हो गई है, और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले भी जो है मंडाना क्षेत्र में कुछ साल पहले एक कुएं में जब सात आठ मजदूर उतरे थे, तो उस दौरान भी जो है सात मजदूर जो है जहरीली गैस की चपेट में आए थे, और उससे वहां पर कम से कम आधा दर्जन जो है मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन कोटा शहर के बीच में ये बालिता स्थित है, और बालिका में जो है सीवरेज की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। जी, ऐसे में शाकिर, ये आए दिन इस तरह की खबरें आती है, बावजूद इसके वापस से इस तरह की दुर्घटना और इस तरह का बड़ा हादसा देखने को मिला, क्या कारण रहा? मजदूरों के पास सुरक्षा से संबंधित जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं थी? जी बिल्कुल, ये सुरक्षा उपकरणों की कमी इसको कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मजदूर जो है सीवरेज लाइन में उतरे थे, तो जाहिर तौर पर उनके पास सुरक्षा उपकरण होने चाहिए थे, और अगर कहीं जरा भी अंदेशा इस बात का होता है कि गैस का रिसाव हो रहा है, और गैस की जो क्षमता है वो ऐसी है कि वो जानलेवा है, तो वहां पर जो है उसमें थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है। कम से कम अधिकारी जो मौके पर मौजूद रहे वो कम से कम इन तमाम चीजों की पहले पुष्टि करें, उसके बाद ही मजदूरों को जो है सफाई के लिए उसमें उतारा जाए। लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि मजदूर जो है बिना सुरक्षा उपकरण के ही जो है सीवरेज लाइन में उतरे थे, और उस तरह से जब गैस की चपेट में आए तो बेहोश हो गए, और बेहोशी की हालत में उन चारों मजदूरों को जो है एमबीएस अस्पताल लाया गया, जिसमें से तीन की मौत हो गई। जी, मतलब पूरा मामला कहीं ना कहीं लापरवाही का है, प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, और उसके चलते तीन मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। शाकिर, ऐसे में अब प्रशासन का क्या एक्शन है?
जी देखिए, अभी शुरुआती बात है क्योंकि अभी जैसे ही घटनाक्रम हुआ है उसके बाद नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जो फायर ऑफिसर हैं दोनों तीनों निगम के वो मौके पर पहुंच गए हैं। अस्पताल में जो है अब जो है प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं। पहली प्राथमिकता ये थी कि अगर जो बेहोशी की हालत में चारों को लाया गया था तो उनकी जान को बचाया जा सके, लेकिन गैस जहरीली गैस का असर इतना था कि तीन मजदूरों की जो है मौत हो गई। और अब एक जो रवि नाम का मजदूर है, ये झाबुआ जिले के मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सभी, तो रवि का जो है वो इलाज चल रहा है और अब अधिकारी मौके पर पहुंच करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। ऐसे में शाकिर, क्योंकि पूरा मामला इतना बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे में नगर निगम से कोई जिम्मेदार ने कोई प्रतिक्रिया दी अपनी, किसी ने जिम्मेदारी ली इस हादसे की? जी देखिए, नगर निगम के जो फायर ऑफिसर है वो मौके पर मौजूद थे, उनमें से एक जो अधिकारी है उन्होंने अपना जो है बयान भी जारी किया है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो मजदूर हैं उन्होंने नीचे सीवरेज लाइन को साफ करने के लिए उतरे थे और उस दौरान ये हादसा हुआ है, लेकिन तत्काल हमने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उनको अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन अस्पताल में जब वो पहुंचे तो उनमें से तीन की जान को नहीं बचाया जा सका। ये बड़ा घटनाक्रम है और इसके लिए जाहिर तौर पर जिस तरह की लापरवाही हुई है, जिम्मेदारी जो जिन लोगों की थी इस पूरे मामले में, जो है कहीं ना कहीं कोई एक्शन की भी जरूरत है। और जो लोग जिनको खोया है परिवार जिन्होंने, उनको लिए बड़ी राहत देने की और उनको सहायता करने की भी जरूरत है। कुल मिलाकर शाकिर, इस दुर्घटना के बाद समस्या की ही बातें हो रही है, समाधान की कोई बात नहीं हो रही है। कोई समाधान को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई अभी तक? फिलहाल जो है क्योंकि घटनाक्रम अभी कुछ देर पहले ही हुआ है, तमाम जो चीजें हैं उस पर अब क्योंकि सरकारी काम है, ऐसे में जाहिर तौर पर हम समझ सकते हैं कि पूरा घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद में जो है तमाम चीजें पेश होंगी। जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, वो अपनी सेफ्टी के लिए भी तमाम चीजें उसमें जांच में तमाम चीजों को कहेगा, लेकिन घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही हुई है। जो सीवरेज लाइन में काम करने के लिए उतरे थे, सफाई करने के लिए जो मजदूर उतरे थे, उनकी जहरीली गैस की वजह से मौत हुई है। ये साफ हो गया है कि घटना सीवरेज लाइन साफ करने के दौरान ही हादसा हुआ है और इसी दौरान इन तीन लोगों की जान भी चली गई है। अब जांचें होगी, उसके बाद में किस तरह के परिणाम आते हैं, क्या एक्शन लिए जाते हैं और क्या प्रोटेक्शन आगे के लिए लिए जाते हैं, इन तमाम चीजों पर अब जो है एक्शन आगे के लिए एक्शन लिया जाएगा और जो जिम्मेदार अधिकारी है जिला प्रशासन जो है वो इन तमाम चीजों को कहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाकिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी दुर्घटना कोटा के अंदर, जहां पर सीवरेज साफ करते वक्त तीन मजदूरों की जान चली गई है, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है।